इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाजा में हमास के खिलाफ इसराइल की फौजी कार्रवाई को आज 33 दिन हो गए 33। इस बीच इसराइल ने गाजा पट्टी के करीब आधे इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। इसराइल की थल सेना, वायु सेना और नौसेना की मिलीजुली कार्रवाई के तहत उत्तरी गाजा पर अब लगभग पूरा इसराइल के कब्जे में और गाजा शहर को इसराइल की सेना ने घेरा हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसराइल गाजा के दो हिस्से करने की योजना बना रहा है या पूरे गाजा की सुरक्षा अपने कब्जे में लेने की योजना पर काम कर रहा है। इस पर हम आगे खास बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ताजा हालात पर एक नजर डाल लेते हैं। इजरायली सेना की लगातार चेतावनियों के बाद लाखों लोग उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिण की ओर जा चुके हैं और बाकी लोग भी इसराइल के दबाव में अपने घर छोड़ने को मजबूर। परेशान हताश लोग अपने साथ बचा कुचा सामान लेकर भारी दिलों से अपने घर छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं लगातार, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इस सब चीज़ों के बारे में कुछ मालूम नहीं। मंगलवार को करीब 15,000 लोग नॉर्थ साउथ हाईवे से होते हुए उत्तरी गाजा को छोड़कर दक्षिण की ओर चले। इसराइल लोगों को दक्षिण गाजा की ओर जाने के लिए रोज 4 घंटे का समय दे रहा है। खबरों के मुताबिक अब तक करीब 15 लाख लोग दक्षिण गाजा की ओर जा चुके हैं। कुल आबादी 23 लाख थी जिसमें से 15 लाख जा चुके और गाजा की कुल आबादी का ये 70% गणित आप कर लिया। अब इसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और घायल भी शामिल हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई इजरायली चेक पॉइंट से गुजरना पड़ा है, जहां कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इन चेक पॉइंट से गुजरने वाले लोग जब इजरायली टैंकों के सामने से गुजर रहे हैं तो वो हाथ खड़े करके और सफ़ेद झंडे दिखाते हुए आगे निकल रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से करीब 10,570 फिलिस्तीनियों की इसराइल के हमलों में अब तक मौत हो चुकी है, ये दावा है, जिनमें से 4,000 यानी कि करीब 4,000 से ज्यादा बच्चे और 2,500 से ज्यादा महिलाएं शामिल। उधर इसराइल के 1,400 लोग हमास के हमले में मारे जा चुके हैं। 242 बंधक हमास के कब्जे में। इस बीच इसराइल की सेना ने आज ये कहा है कि उसने हमास के एक टॉप हथियार एक्सपर्ट महसीन अबू जिना, इसके समेत कई लड़ाकों को गाजा पट्टी में एक हवाई हमले में मार दिया। ये सभी लड़ाके काफी समय से इसराइल की सेना के से भिड़े हुए। इसराइल की सेना बीते एक हफ्ते से गाजा में फिलिस्तीनी लड़ाकों से लड़ रही। इसराइली सेना ने करीब आधे गाजा यानी कि उत्तरी गाजा पर कब्जा कर लिया है। ये मैप के सहारे आप देख सकते हैं, ये जो जितना एरिया ब्लू में है ये सिर्फ नॉर्थ गाजा है, गाजा पट्टी उसका नॉर्दर्न हिस्सा, यही सबसे ज्यादा घना आबादी क्षेत्र था। इसी पर एक तरीके से अपना कब्जा जमाया है इसराइल, गाजा सिटी को पूरी तरीके से घेर लिया। इसराइली सेना के मुख्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने, उनके मुताबिक सेना के इंजीनियर गाजा में कई किलोमीटर लंबी हमास की सुरंगों को धमाकों से बर्बाद कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के सौजन्य से इस नक्शे में आपको ताजा हालात का अंदाजा मिल जाएगा। इसमें उत्तर की ओर एरो और दक्षिण की पूर्व की ओर एक एरो दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर। ये वो जगह है जहां से इजरायली सेना गाजा में घुसी। गाढ़े नीले रंग से जो इलाका आपको दिखाया जा रहा है या जो आप इसमें देख रहे हैं, डार्क ब्लू, ये वो जगह है जहां पर इजरायली सेना का जमीनी अभियान अभी भी जारी है। पीले रंग से जो इलाके आपको दिख रहे हैं वहां 7 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच हुई लड़ाई में भारी नुकसान हुआ है, और लाल रंग जहां दिख रहा है वहां 25 अक्टूबर के बाद से तेज हुई लड़ाई से नुकसान दिखाया गया है इसमें, यानी कि यह ताजा नुकसान है। इसराइल पर आरोप लग रहा है कि वो कई अस्पतालों और रेफ्यूजी कैंपों को निशाना बना रहा है। ये हमने और फुल फ्रेम कर दिया है ताकि आपको एक अंदाजा मिले। नीचे वाला एरिया जो आप देख रहे हैं वो हो गया साउथ गाजा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यह गाजा शहर, इसको नॉर्थ गाजा कहते हैं गाजा स्ट्रिप में। यहां पर ये जो धमाके हैं ये आप वो देख सकते हैं जो नए पुराने सब धमाके हुए हैं, और नीला नीला एरिया जो है वो जगह है जहां से इसराइल धीरे 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 गाजा पर
कब्जा कर रहा है। इस मैप में आपको दिख रहा है कि अल कुदुस अस्पताल, जबालिया कैंप, बुरेजी रेफ्यूजी कैंप और बेत हानून इसराइल के तोप और हवाई हमलों के निशाने बने हैं। ये वो जगहें हैं जहां पर रिलीफ कैंप्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, यहां पर भी अटैक हुआ है। अल कुद्स अस्पताल जो है उसके करीब बीती रात हमले हुए, बमबारी हुई और ये लगातार चली रही है और अस्पताल को जाने वाली सभी सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से घायलों को अस्पताल तक पहुंचाना मुश्किल हो गया। आज ही दक्षिण गाजा में अल नासिर अस्पताल के करीब एक मस्जिद को इजरायली हमले में उड़ाने की खबर सामने आई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को यह कहा कि बीते एक महीने में गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान बहुत ही कामयाब रहा है। इजरायल के सैनिकों को टेलीविजन के जरिए संबोधित करते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम वहां गए और दुश्मन पर सीधे हमला किया, हम रुकेंगे नहीं, अंत तक लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि इजरायल की इस पूरी फौजी कार्रवाई का आखिरी मकसद क्या है? आतंकवाद खत्म करना है या कब्जा करना है, जमीन हथियाना है? क्योंकि आप जानते हैं ये जो पूरा विवाद था इस इलाके का, हम कई कार्यक्रम कर चुके हैं, वो जमीनी विवाद, एक हक कि ये जमीन हमारी है, ये हमारा मदरलैंड है, हमारा होमलैंड है, उसी की लड़ाई थी। क्या वो हमास को सिर्फ सबक सिखाना चाहता है या अपने ऊपर हमले के बहाने अब वो गाजा को अपने कब्जे में लेना चाहता है? यानी कि कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आ जाएगी कि उत्तरी गाजा का हिस्सा पहले और उसके बाद पूरी गाजा पट्टी इसराइल कहलाने लगे या इसराइल के कब्जे में रहे, कि वो इसराइल के नक्शे में शामिल ना हो लेकिन उसके ऊपर पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसराइल का हो जाए। इसी सोमवार को इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एबीसी न्यूज से कहा कि इसराइल गाजा पर लगातार अपना कब्जा बनाए रखेगा। हमास के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद से नेतन्याहू का गाजा को लेकर यह पहला खुला बयान है। नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा पट्टी पर उन्हें राज करना चाहिए, जो हमास की तरह आगे नहीं चलना चाहिए। नेतन्याहू ने यह भी साफ किया और यह साफ नहीं किया कि वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय ताकत की या खुद की। नेतन्याहू ने यह कहा है कि मैं सोचता हूं कि इसराइल अनिश्चित काल तक गाजा की सुरक्षा जिम्मेदारी संभालेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब हमने ऐसा नहीं किया है तो क्या हुआ है। यानी कि वो परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं इसराइली फोर्सेस की। तो अब इसके मायने क्या निकाले? आप वहां अपनी फोर्स तैनात करके रखेंगे और वहां के लोग जो हैं वो फिर क्या कहलाएंगे? क्या ये इसराइल का हिस्सा बन जाएगा? ये सब चीजें हैं जिनके ऊपर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं। नेतन्याहू की ये टिप्पणी इसराइल की बदलती नीति की तरफ एक इशारा है। विदेशी राजनयिक इस बात से चिंतित हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद इसराइल की योजना क्या है। अमेरिका ने कहा है कि वो युद्ध के बाद गाजा पर फिर से कब्जे के मामले में इसराइल का समर्थन नहीं करेगा। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुख्य प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इस मुद्दे पर नेतन्याहू को स्पष्टीकरण देना होगा कि उनके इस बयान का क्या मतलब है। इससे पहले जो बाइडन कह चुके हैं कि गाजा पर कब्जा करना इसराइल की गलती होगी। अमेरिका भले ही इसराइल के गाजा पर कब्जे के खिलाफ हो, लेकिन कई पश्चिमी देश लगता है ये मान रहे हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद कुछ समय के लिए तो गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसराइल को ही लेनी चाहिए। तो क्या इसराइल गाजा को दो हिस्सों में बांट सकता है, नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा? और क्या नॉर्थ गाजा का कब्जा शुरुआत में ले सकता है, जिस तरफ बेंजामिन नेतन्याहू इशारा भी कर रहे हैं? अब इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं इसराइल की बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर खीवरा जांगीड़। डॉक्टर जांगीड़, क्या आपको लगता है कि इसराइल के प्रधानमंत्री गाजा को दो हिस्सों में बांटने की बात कर रहे हैं या बांटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? देखिए, गाजा को दो हिस्सों में बांटने वाली बात नेतन्याहू की मुमकिन नहीं होगी, वो इसलिए कि आर्मी शायद उस बात को न माने। पर सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका का इस बारे में रुख बिल्कुल साफ है शुरू से ही। जो बाइडेन का शुरू से ही कहना था कि पोस्ट वॉर गाजा, मतलब पोस्ट वॉर हमास जो स्थिति गाजा में होगी वो फिलिस्तीनियन स्टेट की होगी। 3 दिन पहले जब एंथनी ब्लिंकन यहाँ आए थे तो उन्होंने रमल्ला में जाके पहली बार महमूद अब्बास के साथ मीटिंग करी
और महमूद अब्बास ने उस मीटिंग के बाद ये पब्लिकली कहा कि वो गाजा की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं अगर एक राजनीतिक हल फिलिस्तीन के लोगों के लिए इसराइल के साथ मुमकिन है, जिसको अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है करवाने के लिए। नेतन्याहू की स्थिति इसमें बड़ी खराब है। नेतन्याहू के लिए अंदरूनी तौर पे चीजें बहुत गलत चल रही हैं। उनके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं और अब तक जो उनको बंदियों को न छुड़ाने वाली जो स्थिति है, उस स्थिति के चलते वो किसी भी तरह से अपने देश के लोगों को अपनी ताकत या अपनी किसी कारस्तानी का हवाला दे नहीं पा रहे हैं। तो नेतन्याहू ये बड़े जो बोल बोल रहे हैं वो सिर्फ बोलने वाले हैं। मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि अमेरिका की मदद के बिना इसराइल ये कर सकता है और अमेरिका की मदद के बिना इसराइल इस काम को करने में किसी भी तरह से कामयाब होगा। जहांगीर साहब, इसराइल के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसराइल ही संभालेगा। क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल करते हैं, तब तो वो एरिया आप ही के कंट्रोल में हुआ, यानी कि आपका हुआ। ये जो सिक्योरिटी वाला जो पूरा एक पैराडाइम है ना, नेतन्याहू ने जो पिछले 17 साल की अपनी राजनीति में बनाया है कि हम ऑक्यूपेशन और गाजा के ब्लॉकेड को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी इससे मिलती है। अब 7 अक्टूबर के हमले के बाद इस बात का तो कोई मायना नहीं रहता, तो ये कैसे मान लिया जाए कि गाजा के उत्तरी हिस्से पे कब्जा करने से हमास के हमले या हमास की लड़ाई से वो किसी तरह की अलग किस्म की तैयारी कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये बात इसराइल के अंदर बहुत सारे मिलिट्री के लोग नहीं मानेंगे और इसराइल के बाहर अमेरिका और यूरोप के उनके साथी नहीं मानेंगे। इसकी 2 वजह हैं। विश्व में इस बात की कोई शंका नहीं है कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक सहानुभूति है और एक जन आक्रोश भी है। अभी तक की जो यूरोप और अमेरिका की सरकारें हैं वो हमास की लड़ाई के चलते उन विरोधों को झेल रही हैं, पर जिस समय ये बात साफ होगी कि हमास के जाने के बाद इसराइल की आर्मी गाजा के किसी भी हिस्से को ऑक्यूपाई करेगी, तो ये सरकारें उनके समर्थन में नहीं होंगी। और ये तर्क बिल्कुल मायने नहीं रखता कि खाली उत्तरी गाजा में इसराइल की आर्मी के रहने से इसराइल की सिक्योरिटी बढ़ सकती है। इसराइल की सिक्योरिटी का जो सबसे अचूक इलाज है वो ये है कि 2 राज्यों की मांग फिलिस्तीन के साथ पूरी की जाए और उस शांति वार्ता उस शांति के बाद इसराइल के लिए अपनी सिक्योरिटी को अंतर्राष्ट्रीय सहमति और साथ के साथ ज्यादा कामयाबी मिलेगी बजाय कि मिलिट्री के जरिए।